अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आया हूँ और आज मैं बात करूँगा आपकी ऑयल थेरेपी की और वैक्यूम थेरेपी की। ऑयल थेरेपी और वैक्यूम थेरेपी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों थेरेपियों का काम बहुत बड़ा है। आजकल होता क्या है कि हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर कोई ध्यान नहीं देते, और आज मैं जिस टॉपिक को बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। आज इम्पोर्टेंट क्यों है ये, हम लोग अपने ऐशो आराम के लिए बेहतरीन रूम, बेहतरीन बिल्डिंग सब कुछ तैयार करते हैं और उसके अंदर बेहतरीन डेकोरेशन, फिनिशिंग वगैरह सब कुछ कराते हैं, लेकिन हम अपने शरीर को भूल जाते हैं। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो बहुत से लोगों का सिर्फ और सिर्फ अपने फेस पर तो ध्यान रहता है, इसके अदरवाइज़ अब बॉडी में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं। उसी के लिए आज मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारी ये जो ऑयल थेरेपी होती है, इस ऑयल थेरेपी के ज़रिए, जैसे कि फुल ऑयल थेरेपी की बात कर रहा हूँ मैं, फुल ऑयल थेरेपी में आपकी बॉडी के अंदर जैसे गंभीर बीमारियाँ, एलर्जी, दाग धब्बे, एक्जिमा वगैरह, और ज़्यादा जो सीरियस हैं वो हैं डिटॉक्स, क्योंकि ब्लॉकेज होने लगती है रगों के अंदर। जब मांसपेशियों में ब्लॉकेज होने लगती है तो उसको खोलने के लिए हमारी जो है ये ऑयल थेरेपी बहुत ज़्यादा कारगर है। उसमें होता क्या है कि इसमें कुछ एक रोलर टाइप के होते हैं, बहुत सारे हमारी अपनी टेक्निकें हैं, जैसे इस टाइप के रोलर होते हैं वो बॉडी पर फेरे जाते हैं, पूरी तरीके से लगाए जाते हैं। इस टाइप के रोलर होते हैं, ये सब लगाए जाते हैं। ये है बहुत सारी हमारी थेरेपी हैं जो कि बॉडी के अंदर जो है धीरे तेजी से एक्सरसाइज के ज़रिए चलाई जाती हैं। तो ये जो थेरेपी है ये क्या करती है, ये जो हमारी मांसपेशियों में रगों के अंदर गंदगी हो जाती है, जो मैं आपको बात करूँ तो एक ब्लॉकेज टाइप की होने लगती है मांसपेशियों में, तो उसको खोलने का काम करती है। तो मेरी आप लोगों से एक सलाह है कि अगर आप हफ्ते में एक बार भी ना करा सकें तो मंथ में एक बार ऑयल थेरेपी ज़रूर करा लें। उसकी वजह यह है कि हमारे शरीर को भी ज़रूरत होती है मसाज की, हमारे शरीर को भी ज़रूरत होती है थेरेपी की, हमारे शरीर को भी ज़रूरत होती है ऑयल की, क्योंकि हमारे शरीर में जब ऑयल मिलता रहता है, बहुत सारी कोशियाँ ऐसी हैं कि हमारी ऑयल के ज़रिए वो बूस्ट होती है उनसे एनर्जी, लेकिन बहुत सारी कोशियाँ जो हैं उनको अगर ऑयल नहीं मिल पाए, गीज़ा नहीं मिल पाए, थेरेपी नहीं हो पाए, तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, और वो जब नष्ट होती हैं तो वो बहुत सारी ब्लॉकेज ले आती हैं। आप ये ना समझें कि वो ब्लॉकेज आपके शरीर के अंदर ही होगी, जो कपड़े पे, वो फेस पे भी आ सकती है, वो झाइयों के रूप में चेहरे पे भी आ सकती है, बहुत सारी ऐसी आपकी परेशानियाँ हैं जो कि आगे वो बढ़ सकती हैं। और ख़ास करके एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी नाभि होती है टूंड, उसमें रोज़ कंटिन्यू 3 बूंदे या तो कोकोनट ऑयल या आप ये जो आता है आपका मस्टर्ड ऑयल, इन दोनों में से कोई भी 3-3 बूंदे ज़रूर डाल लिया करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी, मैं कहूँ तो हज़ारों रगे ऐसी हैं जो कि आपको एनर्जी बूस्ट कराने का काम करती हैं और बहुत सारी बीमारियों को नष्ट करने का काम करती हैं। तो ये जो थेरेपी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप जहाँ भी आपके यहाँ होती हूँ, हम मुरादाबाद में मेरे आसपास हैं तो मेरे यहाँ आ सकते हैं, बाकी कहीं पर भी अगर होती हूँ तो आप इस पर जो है ध्यान दें, कुछ भी नहीं तो हफ्ते में एक बार ज़रूर कराएं। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।